दुनिया में ट्रेनों तक ही कवर हो चुकी है, लोग कनाडा में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, पता नहीं कितने फॉरेन कंट्रियों में लोग कैंडल मार्च कर रहे हैं। लेकिन यहाँ के जो हुक्मरान हैं, चाहे वो मोदी सरकार हो या केजरीवाल सरकार हो, यहाँ लोग आते तो जरूर हैं, लेकिन उस बच्ची की अस्पत में राजनीति कर रहे हैं, फोटो खिंचवा के डालते हैं और कोई दर्शला करते हैं, घोषणा करता है, सरकार में सीएम रहते हैं, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए हम लोग यहाँ पर रहते हैं, फर्स्ट डे से हम लोग इस आंदोलन में काम कर रहे हैं। हमें पैसों की डिमांड नहीं है, पैसे तो हम लोग इनको चंदा इकट्ठा करके भी बहुत सारा देंगे देश की बेटी, लेकिन ऐसी बेटियों के साथ कब तक ये घटनाएँ होती रहेंगी, कब तक इस देश की आबरू लुटती रहेगी। यूट्यूब चैनल्स है ना, इनके माध्यम से पूरी दुनिया में आवाज़ जाती है और ये क्या इमेज बनाना चाहते हैं भारत की। देखिए, दिल्ली बंद का आह्वान हमें इसीलिए करना पड़ा कि सरकार इसमें कुछ बोल नहीं रही है। सरकार इतना मतलब गलत व्यवहार कर रही है कि माँ बाप को अभी तक सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की गई है, उनको एफ आई आर तक प्रोवाइड नहीं की गई है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं इतने ज़्यादा लोग आते हैं, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है पुलिस की, किसी भी तरह का कोई इनको हलचल नहीं हो रही है। चाहे मनीषा हाथरस वाला कांड हो, चाहे ये कांड हो, मैं कहना नहीं चाहता लेकिन कहना पड़ता है, कैसे देश में जाति देख के बेटियों का न्याय होता है, किस देश में जाति देख करके न्याय व्यवस्था डगमगाती है। आप देख लीजिए, हमारी अपमान देखा होगा जब जिंदा कांड हुआ था तो पूरा देश सड़कों पर, क्या जो ये बेटी के साथ हुआ है उसके साथ बलात्कार करके मार दिया जाता है, जला दिया जाता है, उसके पैर पैर बचते हैं और पुलिस उल्टा ही उसी परिवार को रात को गाड़ी में बैठाती है, प्रेशराइज करती है, 164 के बयान उनको गलत दिलवाने का काम करती है। ये कहाँ का इंसाफ है? इंसाफ सरकार को करना चाहिए, इसलिए हम सरकार को कल दिखाना चाहते हैं कि जो समाज इस देश की बेटी के साथ आपने गलत किया है, ये बड़े लोग हैं निर्भया को न्याय दिलवाया, ये लोग इस बुढ़िया को भी न्याय दिलवाएंगे और कल दिल्ली की सड़कों पर लोग उतरेंगे शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट। अगर कोई आदमी उदंड मचाता है वो हमारे आंदोलन का साथी नहीं है, पुलिस उस पर जो कार्रवाई करना तय करे। हमारा डायरेक्शन ये है कि हर आदमी जो न्याय प्रिय, हर जाति से, हर धर्म से, जो व्यक्ति जो भारत के संविधान में विश्वास करता है, वो अपने गली चौराहे पर सड़कों पर प्रोटेस्ट करे, पोस्टर लेकर के बुढ़िया को न्याय दे। यहाँ पर एक बहुत बड़ी रैली टाइप होगी कल, कम से कम 50,000 लोग यहाँ पर आ सकते हैं पूरे देश से, क्योंकि यहीं पर हम लोग होंगे और यहीं प्रोटेस्ट करेंगे, तो कल दिल्ली टहल जाएगी इस दर्द से, उन नारों से, जिन नारों को इस देश के लोगों के काम नहीं सुनना चाहते। वो चाहते हैं कि हर बेटी महफूज हो, हर बेटी मुस्कुराए, अपनी पढ़ाई करे, अपना जीवन अच्छे से जिए, लेकिन यहाँ पर बेटियों को वैसी दरिंदे ऐसे खा जाते हैं जैसे मछलियों को समुद्र से निकाल के मछुआरे खा जाते हैं। तो बहुत बड़े मछुआरे संसद में बैठे हैं, बहुत बड़े मछुआरे दिल्ली की विधानसभा में बैठे हैं। यहाँ का जो विधायक है, मुझे सुनने में आया है कि भिखुज जो है वो विधायक का जानकार है, उसी के गोत्र का है, पता नहीं ये बात कहाँ तक सच है। अगर विधायक के प्रेशर में आदमी केजरीवाल काम नहीं कर रहा तो ऐसे केजरीवाल पर, ऐसे मुख्यमंत्री पर हम सेम करते हैं कि वही केजरीवाल जो कुछ नहीं था, गरीब के लिए धरने में बैठा था, आज मुख्यमंत्री है, अगर दो दिन यहाँ बैठ जाता तो मोदी की चूल्हे हिल जाती, उसको न्याय देना पड़ता। लेकिन इससे साबित होता है कि केजरीवाल कांग्रेस और बीजेपी का दलाल है, ये दलाली कर रहा है दिल्ली के लोगों की बैठ कर। क्या लगता है कि भारत बंद? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, 2 अप्रैल इन्हीं बहुजन समाज के लोगों ने किया था और एक दिन में SC ST एट्रोसिटी एक्ट को वापस बहाल करवा दिया था। ये वो ताकत है बहुजन समाज की, जिस दिन ये सड़कों पे अपना हक और राजपाट लेने के लिए उतर गए तो ये मोदी जैसे लोग मंदिरों में मठों में बैठे मिलेंगे, ये भाग जाएंगे इस देश को छोड़ करके। इन लोगों को मत छेड़ो, इस देश के मूल निवासी हैं, ये वैसे लोग नहीं है जो बेचारे बॉर्डर में बैठे हैं कि वो न्याय मांग रहे हैं,
और ये लोग न्याय नहीं दे रहे हैं। ये लोग बड़े खूंखार जाति के मूल निवासी लोग हैं। अगर अपनी बहन बेटियों की इज्जत का बदला हमें नरसंहार करके भी लेना पड़ा तो हम लोग पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं। देखिए ये पुरुष प्रधान देश नहीं, कृषि प्रधान देश नहीं, ये जाति प्रधान देश है। यहाँ पर इज्जतें भी उनकी लूटी जाती हैं जो कमजोर समाज होता है, जो कमजोर लोग होते हैं, और कमजोर लोगों के साथ कोई लड़ाई नहीं। लेकिन कमजोर लोगों को इकट्ठा होकर अगर लड़ाई लड़े तो बहुत से मजबूत शासन को, प्रशासन को, सरकार को गिरा सकते हैं। आप देखिए महिला आयोग भी दिल्ली में कहाँ है, स्वाति वाली है, मीनाक्षी लेखिया से सांसद है, कहाँ है, कहीं के बेटिया नहीं है, कहीं के कभी बच्चे नहीं होंगे, क्या ये लोग इनकी शर्म है, मर गई है। रात रात का ड्रामा करने के लिए बैठी थी स्वाति वाली अवधारणा, आज क्या होगा। ये किसी एक ऐसी जाति की बेटी है जिसको इस देश में पैदा होते नीच का दर्जा दिया जाता है। अगर ये लड़की ब्राह्मण बनी है ठाकुर की होती तो कहते भी आप मानते हैं यानी देश में जाति महत्व रखती है। जाति प्रधान देश है, यहाँ पैदा होने के बाद स्वर्ग में जाने तक की आपकी जाति लिखी जाती है। लेकिन सरकार मोदी सरकार में ओबीसी और तमाम मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, महिला मंत्रिमंडल में शामिल किया। देखिए ये जो हमारे संसद में लोग बैठे हैं, जो भी हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं, वो राजनीतिक रंडियों की तरह अपनी रोटियां सेकते हैं, वहाँ पर अपने बच्चों के लिए पैसा कमाते हैं, कोठी बंगले बनाते हैं, उनको समाज से कोई लेना देना नहीं है। वो सारे के सारे आराम को काते के कुत्ते हैं, उनका मालिक कहता भौंकते हैं, उनका मालिक कहता काटते हैं, उनको बेटियों की आबरू से कोई लेना देना नहीं है। हाथरस कांड में जो वहाँ एमपी था वो वाल्मीकि था, और उसी की जाति की बेटी के साथ कैसा व्यवहार होता है। तो हम इन लोगों से उम्मीद नहीं कर सकते न्याय की, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि काजोल कर पैदा होते रहेंगे। ये काजोल कर हैं, ये राजनीतिक दलाल हैं, राजनीतिक पार्टियों के नियुक्त किए हुए समाज की दलाली करने के लिए। इनसे हम लोग न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते। सेव कर दूं।